गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति शर्मा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम बाबू दौदयाल एडवोकेट सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा. एज यू नो स्टूडेंट्स दैट चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड चैप्टर नंबर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ हैव बीन डिलीटेड. सो वी विल रीड चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द बुक ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. And the lesson name is also Footprints Without Feet. So student, you can see here that this is your chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells. This chapter's name is Footprints Without Feet and written by H.G. Wells. Footprints Without Feet means पैरों के बिना पैर के निशान. मतलब यहाँ पे राइटर ने एक टॉपिक डाला है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका मतलब है पैरों के बिना पैर के निशान. कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? स्टूडेंट जस्ट थिंक अबाउट, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. डज He uses or misuses his discovery? We will read in this lesson. Does he uses or misuse his discovery? So now let us begin this chapter. We read in this chapter difficult word meanings and I'll explain it to you. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? And where was the man? यहाँ पर जो राइटर है ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है लंदन स्ट्रीट में दो लड़के खड़े हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं इम्प्रिंट्स को देखकर. इम्प्रिंट्स मीन्स होता है इम्प्रेशंस. ये यू कैन सी दिस इज़ इम्प्रेशन ऑफ बेयर फूट. ये बेयर फूट मीन्स क्या होता है? नंगे पाँव. ठीक है, जो दो लड़के हैं वो लंदन की स्ट्रीट में सडनली देखते हैं, अचानक ही देखते हैं कि कुछ पद चिन्ह आ रहे हैं, पैरों के निशान बन रहे हैं जो मिट्टी के बन रहे हैं, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स बन रहे हैं. और ये कहाँ से बन रहे हैं? वो सरप्राइज हैं. उन्हें पैर के निशान तो दिख रहे हैं बट पैर नहीं दिख रहे हैं. बेयर फूटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन. वो दोनों सरप्राइज होते हैं कि इस लंदन में स्ट्रीट में ये बेयर फूट जो ये पदचिन्ह बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ है. एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर descending the steps and progressing down the street. The boys followed fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappeared altogether. जैसे ही वो लड़के उन पदचिन्हों को, उन फुटप्रिंट्स को क्या कर रहे थे? गेज्ड. गेज्ड मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना. Remarkable sight, their eyes, fresh footmarks appeared from nowhere. वो सरप्राइज थे कि जो ये मिट्टी के फ्रेश फ्रेश फुटमार्क्स बन रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और भी आगे बनते जा रहे थे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. उन्होंने क्या किया, वो जो पदचिन्ह थे वो स्ट्रीट की ओर जा रहे थे. द बॉयज फॉलोड, वो फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे चलने लगे, उसको फॉलो करने लगे. फैसिनेटेड, वो आश्चर्यचकित थे, कल्पनाओं में थे. अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, मतलब ये तब तक उसका फुटप्रिंट्स का पीछा करते रहे, फॉलो करते रहे वो दोनों लड़के, जब तक कि वो फुटप्रिंट्स फेंट नहीं हो गई. मतलब धीरे धीरे क्या था, उसके पैर में, साइंटिस्ट के पैर में मड लगी थी जिसके चलने पर उसके फुटप्रिंट्स बन रहे थे, और वो चलते चलते जब मिट्टी पूरी उसके पैर की ख़त्म हो गई तो वो पदचिन्ह क्या हो गए? फेंटर हो गए, गायब हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और फिर लास्ट में क्या होता है, वो फुटप्रिंट्स पूरे गायब हो जाते हैं, जिससे बच्चे उसका फॉलो नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो फुटप्रिंट्स कहाँ चला गया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent.
जो ये एक्सप्लेनेशन था, ये जो मिस्ट्री थी, ये बहुत ही सिंपल थी। द बिविल्डर मतलब वो जो बच्चे थे वो पजल थे, वो कन्फ्यूज थे। बिविल्डर्स मीन्स होता है पजल्ड या कन्फ्यूज। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थे, पजल थे। बॉयस हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, क्योंकि वो ये जान नहीं पा रहे थे कि ये फुटप्रिंट्स कहाँ के आ रहे थे, जबकि वो बच्चे किसको फॉलो कर रहे थे, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, उसने ये डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। मतलब एक साइंटिस्ट है जो लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करते समय उसने एक डिस्कवर किया कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो ग्रिफिन है वो एक साइंटिस्ट है जो हमेशा क्या करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता है प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही सोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज सीट ऑफ ग्लास। फाइनली जो वो ड्रग फाइंड आउट कर रहा है, जो इन्वेंशन करता रहता है, वो इन्वेंट कर लेता है और वो ड्रग वो खुद ही सोलो कर लेता है, पी लेता है, जिससे क्या होता है उसकी पूरी बॉडी। यू कैन सी दिस पिक, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, ड्रग को इन्वेंट कर लिया है और इन्होंने सोलो, जैसे ही सोलो किया इनकी बॉडी पूरी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, ट्रांसपेरेंट, और ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसे सीट ऑफ ग्लास। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। और ये नॉर्मल कोई बॉडी नहीं थी, ये सॉलिड भी वैसे ही थी जैसे कोई ग्लास सॉलिड होता है। यू कैन सी दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रिलियंट, टैलेंटेड, ब्रिलियंट मीन्स टैलेंटेड साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस। लॉलेस मीन्स है अ पर्सन हु डज नॉट ओबे द लॉ। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मीन्स होता है थ्रो आउट। सो जो साइंटिस्ट था, जो हमारा साइंटिस्ट था, व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? ग्रिफिन। यस, ग्रिफिन जो था, ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस। वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट तो था, ब्रिलियंट तो था, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। वो क्या था? लॉलेस। लॉलेस मीन्स क्या होता है? वो पर्सन जो लॉ को ओबे नहीं करता है, लॉ का आदर नहीं करता, अ पर्सन हु डज नॉट ओबे द लॉ। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम, उसकी जो लैंड लॉर्ड थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, और ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे वो घर से बाहर निकालना चाहते थे। इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला, टू गेट इवन विद समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम। ओके, तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो उसको रिवेंज लेने के लिए, लैंड लॉर्ड से रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, घर में क्या कर दिया, आग लगा दी। यू कैन सी दिस पिक। ओके, उसने उसके अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब वो क्या था, आग तो लगा दी, अब उसे उस घर में तो रहना नहीं था, क्योंकि लैंडलॉर्ड उससे रिवेंज लेता, फिर से लेता, छोड़ता नहीं, तो उसको उस घर से भागना था। तो घर से भागने के लिए उसने क्या किया, अपने क्लोथ को रिमूव कर दिया, हटा दिया। मतलब वो क्या हो गया, अपने बिन कपड़ों के हो गया, क्योंकि वो जब तक बिना कपड़े के रहेगा तब तक उसे कोई नहीं देख सकता, और जैसे ही वो क्लोथ्स वियर करेगा वो सबके सामने दिखाई देने लगेगा। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो क्या हो गया, बिकम अ होमलेस। अब वो होमलेस हो गया, उसके पास कोई घर नहीं था, वॉन्डरर, वो इधर उधर घूम रहा था, विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से वो क्या था, इनविजिबल था, वो उसे कोई भी नहीं देख सकता था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। क्या होता है, उसका पैर जो होता है एक फ्रेश मिट्टी मड में चला जाता है, और जिसके उसके पैर में चिपक जाते हैं, और जब जब वो चलता है तो वो फुटप्रिंट्स बन रहा था। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस में बताया कि दो बच्चे क्या थे, वो शॉक्ड थे, फुटप्रिंट्स बनते हुए देख रहे थे, बट वो पैर नहीं देख पा रहे थे कि फुटप्रिंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यही रीज़न था कि जो ग्रिफिन थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी, फायर लगा दी थी, और वो वहाँ से भागे थे। भागते समय क्या हुआ था, उनके पैर में मिट्टी लग गई, और जब वो चल रहे थे तो वो एक
इम्प्रिंट्स बनाते हुए चल रहे थे। ही एस्केप्ड ईजली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। वो किसी तरह अपने आप को उन दो लड़कों से तो बचा लेते हैं जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, बट हिज एडवेंचर्स मीन्स क्या होता है, एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अभी कुछ और भी एडवेंचर बाकी थे। वर बाई नो मीन्स क्या होता है, सर्टेनली नॉट, ठीक है, बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे जो अभी पूरी तरफ से ख़त्म नहीं हुए थे, अभी और एडवेंचर बाकी थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। ग्रिफिन ने, जो साइंटिस्ट था, उसने बहुत ही बैड टाइम चूज़ किया था, क्योंकि लंदन में उस समय क्या था, चिल थी, ठंड थी, तो उसने ये टाइम बहुत ही गलत चूज़ किया था विदाउट क्लोथ्स लंदन में घूमना। इट वॉज मिड विंटर एंड एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। ये मिड विंटर का टाइम था, हवा बहुत ही ज़्यादा चिल थी और बिना क्लोथ्स के घूमना बहुत ही ज़्यादा टफ था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोव फॉर वार्मथ। अब ग्रिफिन को रियलाइज़ हुआ कि वो इन गलियों में तो घूम नहीं सकता है, तो उसने उन गलियों में घूमने के अलावा उसने ये डिसाइड किया कि उसे लंदन के किसी एक बिग स्टोर में जाना होगा अपने आप को गर्म करने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब क्या था, अब ग्रिफिन जो बहुत ही ज़्यादा थका था, परेशान था, वो एक बहुत बड़े से स्टोर में आके घुस जाता है, एंट्री ले लेता है, और वो क्या होता है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जो शॉप होती है वो बंद हो चुकी होती है, डोर शट कर दिए जाते हैं। अब ग्रिफिन क्या है, वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ एज प्लेजर। अब ग्रिफिन फ्री था और वो खुश था कि वो अब अपने आप को क्या करेगा, कवर कर लेगा क्लोथ से एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिकॉर्ड टू एक्सपेंस, और बिना किसी खर्च के, विदाउट एनी एक्सपेंस, वो अपनी भूख भी मिटाता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉर्म क्लोथ्स। वो बॉक्सेस को तोड़ता है, रैपर्स हटाता है और वॉर्म क्लोथ्स पहन लेता है। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रीम्ड हैट ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जल्दी ही वो क्या पहनता है, शूज पहन लेता है, ओवरकोट पहनता है, वाइड ब्रीम्ड हैट। यू कैन सी दिस हैट, जो गोल गोल हैट होती है और चारों तरफ से थोड़ी छोटी छोटी पट्टी निकली होती है, उसे कहते हैं ब्रीम्ड हैट। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब क्या था, जब तक वो इनविजिबल था विदाउट क्लोथ तो कोई भी उसे नहीं देख सकता था, लेकिन अब उसने सारी चीज़ें पहन ली थी, इसलिए अब क्या हो गया था, वो विजिबल हो गया था, दिखने लगा था, विजिबल पर्सन बन चुका था। ओके, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स। अब स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि वो स्टोर में था, उसे खाना पीना कहाँ से मिल गया, तो आप देखते हो कई ऐसे मॉल्स होते हैं जहाँ पर वैराइटीज ऑफ शॉप होती है, एक सेक्शन क्लोथ का होता है, एक सेक्शन खाने पीने का होता है, कई सेक्शंस होते हैं ग्रोसरी के होते हैं, तो वो ऐसे ही बहुत बड़े वाले मॉल में या शॉप में चला गया था। तो इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में वो कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसको मिलती है, फाइंड आउट करता है, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर से वो वाइन स्वीट सब ले लेता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइल्स। अब क्या होता है, वो सारा दिन इतना घूमा होता है, थका होता है, परेशान होता है, रात में आता है, अपने आप को वार्म करता है, वार्म कपड़े पहनता है, अपने आप को फीड करता है, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो एक पाइल ऑफ क्वाइल्स पे सो जाता है, मतलब एक रजाइयों की, एक रजाई पे रजाई होती है और उसके ऊपर जाके वो सो जाता है, रेस्ट करने लगता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि अगर ग्रिफिन अपने टाइम को मैनेज करके सही टाइम पे उठ जाता तो सब कुछ अच्छा रहता।
As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब क्या था, अगली सुबह ग्रिफिन जग नहीं पाया और असिस्टेंट आने लगे, मतलब जो मॉल होता है जहाँ पे लोग वर्क करते हैं वहाँ पे लोग आने लगे. When he saw a couple of them, जब उसने देखा approaching, he panicked and began to run. अब क्या था, means कि वो सो रहा था और जगह नहीं, देर हो गई, लोग अंदर आ चुके थे, स्टोर में एंट्री ले चुके थे, शोर शराबे से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, वो पैनिक्ड हो गया और भागने लगा. दे नेचुरली गेव चेस, अब जो जिन लोगों ने उसे देखा वो नेचुरली उसे चेस करेंगे, उसका पीछा किया. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर क्या हुआ, अब उसे भागना था और वो जानता था. अब वो कपड़ों में क्या दिख रहा था, विजिबल दिख रहा था, और वो भाग कैसा सकता था इनविजिबल में. सो उसको एक बार फिर से जो उसको न्यूली क्लॉथ्स मिले थे, जिस हैट, कोट, सारी चीज़ें, जिस शूज, जिससे वो वार्म अप हुआ था, उसको दोबारा से न्यूली फाउंड क्लॉथ्स क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा, निकालना पड़ा. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. एक बार फिर से वो जनवरी एयर में दोबारा से उसे इनविजिबल होना पड़ा, और वो भी विदाउट क्लोथ. यू कैन सी दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये भाग रहा है और भागते हुए ये अपने क्लोथ्स को रिमूव करता हुआ जा रहा है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक. स्टॉक मीन्स क्या होता है, प्रॉप, द आर्टिफिशियल मुस्टैचेस यूज्ड बाय एक्टर्स of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब क्या था, उसने डिसाइड किया कि वो एक क्या करेगा, प्रॉप लेगा, आर्टिफिशियल मुस्टैचेस यूज़ करेगा जो कि लोग एक्टर वगैरह यूज़ करते हैं. तो उसे इस चीज़ के लिए कहाँ जाना था, theatrical company. In the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. मतलब अब उसे अपने आप को रैप करना था, क्योंकि आप देख सकते हो जब उसका फेस भी इनविजिबल है तो हैट लगती है जैसे हवा में लटकी हो, तो फेस से लेकर शोल्डर तक के पार्ट को उसे कवर करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें चाहिए, जैसे मुस्टैच चाहिए होगा, कुछ ग्लासेस चाहिए होगा, सन ग्लासेस टाइप का, आर्टिफिशियल नोजेस चाहिएगा जिससे वो फेस बना सके अपना, ठीक है. शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रोरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. स्टूडेंट यू कैन सी दिस इज़ द थिएटर ऑफ रॉयल ड्रोरी लेन. ये लंदन का फेमस थिएटर है जहाँ पर ये साइंटिस्ट पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो इस थिएटर में वो गेन कर सकता है. He soon found a suitable shop. He made his way invisible up stairs and come out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big busy side whiskers and a large hat. अब क्या होता है, वो एंट्री करता है, उसे एक बहुत अच्छी शॉप मिल जाती है वहाँ पर. वहाँ पर क्या करता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, फिर क्या करता है, वहाँ पर बैठता है, बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड को, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अपने फोरहेड को क्या करता है, बैंडेज से बांध लेता है, डार्क ग्लासेस का यूज़ करता है, फॉल्स नोज लगाता है और बिग बिजी साइड विस्कर्स, और एक बिजी साइड विस्कर्स यूज़ करता है, और एक लार्ज हैट. टू स्केप विदाउट बींग सीन ही कोलोसली, कोलोसली मतलब होता है ए वे दैट सोज इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स. ओके, attacked the shopkeepers from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब जब वो पूरा visible person बन जाता है तो अब उसको क्या होता है, वो दिख रहा होता है, अब shopkeepers तो उसे देख लेगा, इसलिए वो क्या करता है, वो एक lawless person है, उसे किसी के लिए mercy नहीं है. जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो attack the shopkeeper, वो attack कर देता है shopkeeper पर खुद को बचाने के लिए, और उसके पास जितना भी पैसा होता है वो उसे छीन कर भाग जाता है.
So student, your first part has been done. Read it. If you have any problem, you can ask me any type of question which is related to this lesson. So thank you.